टू ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बट मैं अच्छी नहीं हूँ। फ्रॉम लास्ट 10 डेज मेरे हाथ में पेन उठ रहा है, मैं रोज़ निगलेक्ट कर रही हूँ। मैं आज 2 दिन से कॉलेज भी नहीं गई, क्योंकि मैं आई ब्रीथ ना तो मेरे हार्ट में दर्द होती है, मेरे कभी किडनी साइड दर्द होती है, तो मैं डॉक्टर पर जा रही हूँ क्योंकि मेरे पापा मुझे लेकर जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरे पापा समझते हैं कि वो भी डॉक्टर भी है। ब्राउन फैमिली प्रॉब्लम भी लाइक पीछे मेरी मम्मी आ रही है, मैं जा रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग गुड। लिटरली मेरे को ना सर डिजी का फील हो रहा है, आई एम गोइंग टू सरवाल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाऊँगी, डॉक्टर क्या बोल देखती हूँ, मेडिसिन एक्सरे वगैरह ने बोले ना इंजेक्शन बोले तो मता ठीक है। चलो चलते हैं हॉस्पिटल। मैं पता नहीं क्या हो जा रहा है, तबीयत खराब हो जा रही है। प्रैक्टिकल बनाना है फिर घर आके, मुझे अपना एक बच गया मेरा एन इज टोटल रिकॉर्ड समथिंग, फिर बस फिर वाई वाई पढ़ूँगी। Let me just text my teachers कि I'm not able to come because of the that reason and all. Is the Rehari Mandir, Rehari Sarwar Mandir, उसका वो शिवरात्रि है ना उसकी, तो मैं पैसे चुन के लाई हूँ, ऐसे चुन चुन के टिकट के लिए, टिकट डैट पर्ची ऐसा। सवेरे सवेरे रश होता बड़ा, और मेरा दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा यार, बहुत दर्द हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। मुझे माइक लाना चाहिए था, मैं लाई ही नहीं यार। कर ले बेबी, सवेरे सवेरे हॉस्पिटल चलो बस। सीरियस गाइस, लड़के पहुँचे हैं यहाँ, बहुत बेकार मैनेजमेंट अबाउट द टिकट्स एंड ऑल। लेट्स कहाँ पर जाना है मुझे, चेक करते हैं। अंदर टिकट जमा, टिकट हो रही पर जमा कर, डॉक्टर हंस रहे थे क्या हुआ। मैं डॉक्टर मेरे हंस वाले मरना चाहूँ, मेरे हंसने शुरू हो गई, कहती मैं मरना चाहूँ। मैं डॉक्टर हाँ यार मेरा दर्द हो रही है, मेरा काम कौन संभालेगा, पैसे वो से कौन रखेगा। तो उसी रोड में 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा मैं क्या करूँगा, भूख लगे मुझे, कैंटीन से कुछ खा लो, कैंटीन से कुछ खा लो। हर चीज वेट करो, 17 नंबर चल रहा है मेरा, 47 है। सपना इज सो स्वीट टू मी, वो कहती जाना मैं नंबर दे दिया, मैं मुझे फोन शेट फोन कर लेना तो मैं आगे पीछे घूम फिर आती हूँ। कौन बैठे यार, कहते जाओ घूम पर कंटेंट हो रहा, मैंने खाना नहीं खाया गया, सुबह से भूखे बैठा के मैं हॉस्पिटल चेकअप करा रही हूँ अपना। चलो शी विल कॉल मी एंड देन आई एम गोइंग। गाइस मज़ा आ रहा है, हॉस्पिटल का चक्कर खा रही हूँ, हर जगह व्लॉग कर रही हूँ। अभी 30 नंबर चला मेरा, 46 का शी विल कॉल मी और मैं भाग भाग के जाऊँगी। डिशू डिशू अब तक हम इस यू बिल्डिंग में फ़ोन चलाएँगे और कुछ करेंगे। डॉक्टर सपना को जाने से पहले ही आ गए, कहते वापस आता कुछ खा कर आ। मैंने कहा मर गई, बोलते नहीं मरती, खा ही लेते, बड़ी स्पीड से है यार। नंबर ले लिया मैंने, उनका कभी आना होगा तो काम थोड़ा हेल्प कर देंगे मेरी। चलो गाइस कुछ खाते हैं, मैं गई पूछने बट गूगल पे नहीं है, मैं घर से कैश लेके नहीं आई। मुझे तो कह रहा था 5 मिनट का काम होगा, हाथ दिल दिखाना, दिल दिखा के दिखा दूँगी। बट एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, मेरे दिल में लड़के बहुत हैं, मैंने रखे भी हैं, और वो कह रहे हैं बसड़, सबको शक पड़ रहा है उसने कि मैं उसको भी पसंद करती, उसको भी करते, तो वो बसड़ कर रहे हैं और उसमें दर्द शुरू हो गई है। क्या मुझे बदुएँ लग रही हैं, मैं लड़कों को दिल तोड़ रही हूँ। लेट मी चेक, आधे घंटे बाद करते हैं आप ट्राई, फिर से चलो हॉस्पिटल। मैं लगा रहा मास्क ले लेनी है, खंग लगा लेना, थप्पड़ थप्पड़ पे जाना मैं। चलो मास्क, एक मास्क मिल सकता है, मास्क हॉस्पिटल की दुकान में फ्री में दे दिया मैंने कहा, बोलते स्कैन को 500 के भी स्कैन कोड में। हाँ पहले मुझे 10-16 दे रहे थे, मैंने 5 ले लिया उन लोगों से, बहुत प्यारे हैं यार। अब मैं लगा के अंदर खंग करूँगी, खाऊँ। मेरी आधी व्लॉगिंग तो यहीं हो जाएगी मुझे लग रहा है, आज की सुबह 11 बजे के आई, इट्स ऑलमोस्ट 1 यार, क्या कर रही हूँ मैं। कहते थे तू कुछ खा के आ जा, मैंने कहा नान खाऊँ 11 घंटा, कहती बड़ा नंबर आ गई।
गाइस चलो कुछ खा पी के आते हैं, भूख लगे हैं। ऐसा ही नहीं है, गरीब ये कब हुआ मतलब कि भैया वो बेचते थे सिम वगैरह, भैया ये कब किया? शुरू कर दिए जल्दी, तो मेरे पास आई नहीं। ओहो आ गई ना अभी भाई, सिमें बेचने बंद? हां सिमें बेचने बंद नहीं, सिमें दे रहा हूं मैं। न्यूट्री कुलचा भरावा बल्ले बल्ले, ओ भाव न्यूट्री कुलचा खाओ मेरे पास। वाह लगे ये हम जगह चेक चपांगी नॉन टाइम। गाइस नान खा लिया है, बिल बढ़ गया है, अब हॉस्पिटल पर जाएंगे, चक्कर आना है मुझे भी खा के, बहुत ज़्यादा हैवी होता है यार। चलो मेरा अकाउंट पैसे कट गया, मैं वैसे आ गया वापस हॉस्पिटल। स्ट्रगल देख रही थी स्ट्रगल ज़िंदगी में, पानी की बोतल हाथ ले आई, मैंने थोड़ा सा पानी पिया था ना। चलो चलो वापस बैक टू हॉस्पिटल। मैं गई, उन्होंने मेरे से पूछा क्या क्या हुआ, टेस्ट लिख के दिए हैं, तो मैं घर जाके पैसा लेके आती हूँ। डर सा लग रहा, मेरा बीपी चेक किया, मेरा हाथ इतनी मेरी ईवली बाजू पे इतनी जोर से प्रेशर पड़ रहा था, मेरे को इतना पेन ही हो रहा था। अब मैं घर जा रहा हूँ भाग भाग के पैसे लेके आता हूँ, फिर मेरा टेस्ट है ECG लिखवाना। मुझे डर लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, बट डर लग रहा है। क्या मैं नॉर्मल हूँ, क्या मैं बच सकती हूँ? घर जाता हूँ पहले, मुझे बहुत दर्द उठ रही है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा हूँ। सुबह 3 घंटे से बैठ रही हूँ, देखो ECG बोला बट दर्द में मरी आगे जाके चक्कर ना, मम्मी पापा के ना बहन जा रही कोई नहीं जा रहा, दर्द बैठ के प्रैक्टिकल बनाऊँ थोड़ी देर में, इरिटेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, करते हैं लोगों से बात थोड़ी देर में। बीमार जरूर बट पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि दिल का दर्जा है ना जाए, बट डिपेंडेंसी थ्योरी करना इम्पोर्टेंट है ना। मंगल बाजार के 50 रुपए की टॉप को 35,000 का बनाती है ये औरत। पढ़ रही हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगी वही जो ब्रंच शांच होता है क्या, उसके बाद देखते हैं क्या करना शाम में। पढ़ो पढ़ो यार, डिपेंडेंसी थ्योरी। वहाँ से यहाँ आ गई, तो मैंने चेंज वेंज किया, तो मैंने खाना खा लिया, तो डॉक्टर ने कहा था ECG कराने के लिए, पर मैं नहीं कराई क्योंकि पता नहीं यार मैंने क्यों नहीं करा रही, मुझे डर सा लग रहा है। तो हाँ तो अब मैंने कुछ लोग कह रहे गैस है, कुछ कह रहे पानी पीती, तो देखते हैं क्या है। अभी तो मैं फिर से पानी पीने लगी, मेडिसिन दी हुई है पीना, एंड उसके बाद क्या ही बोलूँगी, वेट। मैंने सेल्फी मोड में तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अपना ध्यान ही रखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करती हूँ। अभी 4 बजने वाले और मुझे अपना कंटेंट लिखना शुरू करना है, पढ़ने बैठना फिर से। डिपेंडेंसी थ्योरी इज लव, उसके बिना कुछ भी नहीं। मेरी बहन का मैच बता क्या रहा है, इसमें स्टोरी पर अंदर बैठी हुई है, नहीं ये तो गई हुई है अब शेतिया, मेरे लेग्स पेन हो रही हैं, मैं क्या करूँ यार, मैं थक जाती हूँ पैदल ट्रैवल कर करके। मैं ना ये मेरे पीरियड्स और कुछ दिन जब मैं बीमार होती हूँ, मैं पैदल चलती हूँ, खाती पीती कम हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या करती रहती हूँ, अपनी उठ पटांग करते करती रहती हूँ। मैं जिस कहूँगी आप सबको कि गाइस मैंने 15 दिन से ज़्यादा निगलेक्ट किया अपना पेन, पर आप लोग मत कीजिएगा, अच्छी बात नहीं है, बट मैं थोड़ा सा गलत कर रही हूँ मुझे पता अपने आप के साथ। तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा ध्यान रखो, आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मम्मा भी अंदर सो रहे हैं, पापा भी आ गए हैं, तो अभी मैं कुछ खाऊंगी बनाऊंगी, देखते हैं। अगर ये ब्लॉग एंड हो जाते हैं यहीं पर ही, तो समझना मैं ठीक नहीं फील कर रही, बस मैं कर भी नहीं रही हूँ। बाकी प्रे करो कि मेरा जल्दी तक ठीक हो जाए फटाफट, और बहुत सारे व्लॉग्स आएँ। अभी शिवरात्रि व्लॉग भी आने वाला, आगे आगे बहुत कुछ होने वाला, तो व्लॉग्स लेट आते हैं आप सबको पता होगा। आई थिंक शिवरात्रि निकल गई होगी बहुत आगे, जब शिवरात्रि का व्लॉग कल परसों बनाऊंगी मैं, व्हाटएवर इट इज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग, जितने लोगों ने देखते हैं प्लीज़ कमेंट कर दिया करो यार,
और मैं ठीक नहीं हूँ मेंटली कुछ टाइम, दैट्स व्हाई मैं कंटेंट नहीं बना पा रही हूँ। पेपर भी आने वाले, जैसे ही मेरे मार्च एंडिंग के पेपर खत्म ना फिर बैक टू बेसिक कंटेंट बनाएंगे ना, क्योंकि पढ़ाई भी तो इंपॉर्टेंट है अंकल आंटी, जितने लोग देख रहे हैं। सही बोला ना, तो एक रिक्वेस्ट सबसे, अगर आप लोग घर में टीवी में देखते हो वट एवर, अगर देखता तो कोई होगा लैपटॉप वट एवर, सब अपने अपने फ़ोन से देखा करो, व्यू पड़ता है, लाइक कमेंट किया करो, सपोर्ट किया करो, मेरा भी मोरल बढ़ता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। बाकी डीमोटिवेट करने के लिए बहुत लोग हैं, एक आपका मैसेज मुझे मोटिवेट कर सकता है। एंड यही बोलूँगी, सब पानी पुनी पियो, अच्छे से रोटी शोटी खाओ, सनस्क्रीन लगाओ, और भी मेरी फैमिलीज की ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं, मेरे मम्मी पापा की, कि आपकी प्रॉब्लम लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना हट जाए, और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम तो मैं हूँ तो मुझे हट जाना चाहिए, यही बोलना चाहती हूँ मैं। बस थोड़ी देर में उठ के पढ़ के फिर मैं कंटेंट शूट करने वाली, बहुत सारा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, तो डाल दूँगी लेंस आपसे, यार मैं डालती नहीं पत्नी क्यों, पत्नी दीदी क्या किए जा रही है ज़िंदगी में, बस यार मेरा लो फील करती। बाकी अगर आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और प्लीज़ प्लीज़, कुछ लोग ऐसे मतलब तो कमेंट नहीं करते, उनको लगता है कि नेहा जी देख लेगी, हमने देखा होगा, कोई बात नहीं, मुझे उल्टा अच्छा लगेगा अगर आप लोग देखोगे और सपोर्ट करोगे। बाकी मेरी और बूबू की तरफ से आप सबको बहुत चला प्यार, रिस्पेक्ट, और अगर तुम किसी भी चीज़ से डिप्रेस या कुछ भी होना है, ऐसे बात शेयर करनी हो या करनी हो मेरे से कर सकते हो, क्योंकि मैं और बूबू सुनते हैं, है ना बूबू, बूबू कहना हाँ जी हम सुनते हैं। बाकी डिपेंडेंसी थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज, और अभी पेपर चल रहे हैं कॉलेजेस में, तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं पड़ेंगे मुझे पता, बट स्टिल कॉलेज की लड़की तो देखते हैं, कॉलेज की लड़की हमारी, और काफ़ी चीज़ें नहीं आने वाली है, जस्ट बी देयर, हमारा टारगेट है गाइज, हमें कल से 4600 तो हो गए हैं शायद से, हो गए होंगे, हो जाएंगे शायद से। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पूछ ले बाय।